मोटरसाइकिल की आमने सामने टक्कर में दो घायल। पड़ैयाहाट थाना क्षेत्र के हंसडिया गोड्डा मुख्य मार्ग सूरज मंडल इंटर महाविद्यालय के समीप आमने सामने मोटरसाइकिल की टक्कर होने से दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना 6 बजे की है। घटना की जानकारी मिलते ही पड़ैयाहाट पुलिस ASI दुर्गा प्रसाद यादव दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर दोनों घायल युवकों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पड़ैयाहाट में भर्ती कराया, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिकित्सक ने दोनों घायलों का स्वास्थ्य उपचार के बाद घर भेज दिया। घायल युवक नालंदा जिला अंतर्गत का रहने वाला रोशन कुमार 32 वर्षीय हंसडिया की ओर से आ रहा था। इस बीच विपरीत दिशा से द्रोपद गांव निवासी सुहास रावत 45 वर्षीय पड़ैयाहाट की ओर से गंगवारा जाने के क्रम में सूरज मंडल इंटर कॉलेज के समीप अनियंत्रित होकर आमने सामने टक्कर हो गई। गुमशुदा बालक की हुई घर वापसी। जिला प्रशासन, जिला बाल संरक्षण इकाई RPF, चाइल्ड लाइन और बाल कल्याण समिति गोड्डा एवं बीरभूम के पहल पर महागामा का गुमशुदा बालक 2 सप्ताह बाद आज अपने घर पुनर्वासित हो गया। बच्चा ट्रेन में सफर के दौरान रामपुर हाट पश्चिम बंगाल में पाया गया था। RPF के द्वारा बच्चा को रामपुर हाट चाइल्ड लाइन में रखा गया था। उपायुक्त महोदया किरण पासी के निर्देश पर संरक्षण पदाधिकारी विकास चंद्र इस मामले की छानबीन और तलाश कर रहे थे। बच्चे का पता चलते ही बच्चे के परिजनों का बच्चे से मुलाकात करा दी गई थी। 5 दिनों से उनके घर में खाना नहीं चढ़ा था। जब उन्हें बच्चे के मिल जाने की खबर मिली तो उनकी आंखों से खुशी के आंसू फूट पड़े। अनियंत्रित होकर पलटी चारपहिया वाहन। बसंतराय प्रखंड क्षेत्र के झपनिया गांव के समीप शुक्रवार करीब 3 बजे एक चारपहिया वाहन अनियंत्रित होकर गड्ढे में जा गिरी। हालांकि कोई नुकसान नहीं हुआ। जानकारी के अनुसार चारपहिया वाहन साजपुर सांखी का बताया जा रहा है, जो धपरा गांव के हज यात्रियों को लेने के लिए धपरा जा रहा था। उसी क्रम में झपनिया गांव के समीप में अनियंत्रित होकर गड्ढे में जा गिरी, जिसके बाद स्थानीय लोगों सहित JCB मशीन के द्वारा वाहन को गड्ढे से सुरक्षित निकाला गया। उत्क्रमित मध्य विद्यालय सोंडिया के प्रभारी प्रधानाध्यापिका अरुणा देवी को ससम्मान नम आंखों से शिक्षक एवं विद्यार्थियों ने दी विदाई। इंटरनेट की बेहतर सेवा, एयरसेल ब्रॉडबैंड, हाई स्पीड इंटरनेट। झारखंड आप लोग श्रमिक मित्र संघ गोड्डा जिला के जिला अध्यक्ष होने के नाते आज हम विधायक जी से मिलने आए। 3 दिवसीय तीन मांग पत्र सौंपे। पहला मांग मेरा है कि सम्मानजनक मानदेय किया जाए। दूसरा मांग है कि 60 साल तक हम लोग का 60 साल तक किया जाए। तीसरा मांग है यात्रा भत्ता दिया जाए। ये तीन सूत्री मांगों के लिए हम आज विधायक जी से मिले और उनको ज्ञापन भी।